मैं ध्यान से सुन रहा था जब कविता जी बोल रही थी और मुझे स्मरण आया कि यहीं पर मेरे बगल में बैठे हुए सरकार के ही आज हिस्से हैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते, वे इस अंतरिम काल में जब सरकार न यूपीए की थी न हमारी थी, उस समय वे गृह मंत्रालय के ओर से जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष थे और मुझे भी उसका एक हिस्सा बनने का अवसर मिला। और मुझे स्मरण है कि इसी विषय को लेकर के जिसका उल्लेख आज विस्तार से कविता जी ने यहां पर किया है, उसी स्टैंडिंग कमेटी में शायद दो दिन तक चर्चा चली और विस्तार से उस पर चर्चा चलने के बाद वो सारी बातें दोहराई गई जो कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में और सरकार की ओर से वचन किया गया था कि ये हम सब करेंगे। और जितने सारे लोग माइग्रेंट्स के रूप में आज शरणार्थी बने हुए हैं अपने देश में, उनको वापस हम वहां पर पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि इस पर बहस करने की बजाय, आपस में और वाद विवाद करने की बजाय, उस रिपोर्ट को लेकर के यहां पर लाया जाए और उसको फॉलोअप कैसे किया जाए और कैसे गृह मंत्री कर रहे हैं इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि आज जितनी बातें कही आज कविता जी ने, एक एक बात में वजन था और उसकी पुष्टि उस रिपोर्ट से भी होगी जिस जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय की समिति ने बनाई थी और जिसके कारण जिसका हिस्सा मैं भी हूं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पर वाद विवाद न होकर के उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाए सरकार द्वारा और गृह मंत्री उसको इंप्लीमेंट करें।